अल्लाह ने रिश्तों को बनाया इस अंदाज में, ये बेटे और बाप का रिश्ता है, ये माँ और बेटी का रिश्ता है, ये भाई और बहन का रिश्ता है, ये बेटी और बाप का रिश्ता है, ये बेटी और माँ का रिश्ता है। जितने रिश्ते रूए ज़मीन में हमारे और आपके दरमियान में पाए जाते हैं, उन सबको बनाने वाला परवरदिगार आलम है। याद रखना कौम के जवानों, आज हमें रिश्तों को निभाने की ज़रूरत है, आज हमें रिश्तों की इज्जत करने की ज़रूरत है, आज हमें रिश्तेदारियों की अहमियत को जानने की ज़रूरत है। और अगर रिश्तों की अहमियत को जानना है, बेटी और बाप के रिश्ते को जानना है, बाप और बेटे के रिश्ते को जानना है, या बहन और भाई के रिश्ते को जानना है, तो आपको मुस्तफ़ा की शरीयत से सीखना पड़ेगा, मुस्तफ़ा की शरीयत से जानना पड़ेगा, नबी कौनैन के इल्म को अपने सीने में उतारना पड़ेगा। याद रखना, अगर रिश्तों की अहमियत ही को जानना है, तो आओ हमें हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह की तारीख को पढ़ना पड़ेगा, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की तारीख को पढ़ना पड़ेगा। एक बाप और बेटे का प्यार आपको नज़र आएगा, एक बाप और बेटे की मोहब्बत आपको नजर आएगी, इसलिए कि माँ और बेटे का प्यार तो सबको नजर आ जाता है, माँ और बेटे की मोहब्बत तो सबको नजर आ जाती है, मगर प्यार बाप भी कम नहीं किया करता है, मोहब्बत बाप भी कम नहीं किया करता है। आओ अगर आपको जानना है, हजरत इब्राहिम की तारीफ को सुनते चलो, आपके शहजादे हजरत इस्माइल की तारीफ को सुनते चलो। ये कौन है हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के शहजादे का नाम हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी विलादत नहीं हुई है। अल्लाह के खलील ने बारगाह खुदा में दुआएं की, परवरदिगार मुझे नेक सवाले बेटा अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा। अल्लाहु अकबर, 70 साल की उम्र में अल्लाह ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के आंगन में फूल पैदा किया, आपके गुलशन में गुलाब खिलाया। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की विलादत होती है। कौन बाप है जो अपने बेटे से प्यार नहीं करता होगा? कौन बाप है जो अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करता होगा? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के यहाँ 70 साल के बाद एक ही बेटा पैदा हुआ है। कितना हसीनो जमील बेटा था, कितना खूबसूरत बेटा था। और हसीनो जमील क्यों ना हो, इसलिए कि इन्हीं के पुश्त में अल्लाह ने आखिरी पैगंबर को रखा था, हमारे और आपके पैगंबर को रखा था। मोहम्मद अरबी इन्हीं की नस्ल से दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाहु अकबर। लेकिन बाप और बेटे की मोहब्बत देखनी है तो देखो, बाप और बेटे का प्यार देखना है तो देखो। अल्लाह ने अपने खलील का इम्तिहान लिया और अपने खलील को हुक्म दिया। आप तसव्वुर तो करें, जिसके घर में 70 साल के बाद कोई बेटा पैदा हुआ हो, 70 साल के बाद किसी बेटे ने आंगन में आकर के खुशियां बखेरी हों, और उस बेटे के हवाले से कहा जाए कि अपने बेटे को और बेटे की माँ को लेकर के जंगल में छोड़ करके चले आओ, अल्लाहु अकबर, क्या गुजरेगी बाप पर? आज का अगर कोई होता तो कहता, परवरदिगार मैं अपने लखते जिगर को कैसे छोड़ के आऊँ, मैं अपने नूर नसर को कैसे छोड़ के आऊँ। लेकिन ये अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह ने अपने दोस्त का इम्तिहान लिया और हर कदम पर इम्तिहान लिया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कदम कदम पे इम्तिहान दे रहे हैं, कदम कदम पे इम्तिहान देने के बाद, इम्तिहानात की मंजिलों से पार होने के बाद, कामयाबी की शाहराओं पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, खलील अपने बेटे को बयाबान जंगल में छोड़ करके आओ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हुक्म खुदाबंदी सुनने के बाद आए अपने घर में, अपनी शरीक हयात को लिया, अपने बच्चे को लिया, और बच्चे को लेने के बाद, हजरत हाजरा को लेने के बाद बयाबान जंगल में पहुंच गए। ऐसी जगह जहाँ पानी का पता नहीं, ऐसी जगह जहाँ खाने का इंतजाम नहीं होता। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने साथ में खजूरें भी ली, साथ में पानी भी लिया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बच्चे को लेकर के, हजरत हाजरा को लेकर के मक्का जहाँ आज मौजूद है उसी जगह पहुँचे, और पहुँचने के बाद अपनी बीवी को वहाँ छोड़ा, अपने बच्चे को वहाँ छोड़ा, और छोड़ने के बाद पानी दिया, खजूरें दी, और उसके बाद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह चलने लगे। हजरत हाजरा ने हाथ जोड़ करके अर्ज़ किया, मेरे शोहरे सरताज, बताएं तो सही क्या खता हो गई, बताएं तो सही क्या जुर्म हो गया, आखिर इस बयाबान जंगल में छोड़ करके किसके सहारे जा रहे हैं, किस लिए इस बयाबान जंगल में छोड़ करके जा रहे हैं, आखिर वजह क्या है? अल्लाहु अकबर, कोई जवाब ना दिया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फिर से हजरत हाजरा ने पूछा, बताएं तो शोहरे सरताज, क्या अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं या रब की मर्जी से छोड़ करके जा रहे हैं? जब इतना कहा, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह फरमाते हैं, हाँ हाँ मेरी शरीक हयात, मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि रब की मर्जी से छोड़ करके जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, रब की मर्जी से छोड़ करके जा रहा हूँ। जब इतना हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा, तो हजरत हाजरा कहती हैं, शोहरे सरताज, ये जो पानी दिया है इसको भी वापस लेके चले जाएं, अगर रब की मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं, ये जो खजूरें दी हैं इसको भी वापस लेकर के चले जाएं, अगर रब की मर्जी से छोड़ करके जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह फरमाते हैं, उसकी वजह क्या है? हजरत हाजरा कहती हैं, शोहरे सरताज, अगर रब की मर्जी से छोड़ करके जा रहे हैं तो फिर हमें पानी की ज़रूरत नहीं है,
अगर रब की मर्जी से छोड़ करके जा रहे हैं तो फिर हमें खजूरों की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जो परवरदिगार आलम 70 साल की उम्र में हमें बेटा अता फरमा सकता है, वही परवरदिगार आलम हमारे खाने और पीने का इंतजाम भी फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह की तरफ से मिलने वाले पैगाम के हुक्म की तकमील की सूरत में बयाबान जंगल में छोड़ करके चले गए। और जब आप बयाबान जंगल में छोड़ करके आए, वहां जहां पानी ना मिल सके, वहां जहां खाने का इंतजाम ना हो सके, ऐसी जगह अपने बेटे को और अपनी शरीके हयात को छोड़ करके आए सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह ने इम्तिहान लिया अपने खलील का और उस इम्तिहान में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कामयाब भी होते हुए नजर आए। अल्लाहु अकबर। इधर उनको बयाबान जंगल में छोड़ करके आए हैं। हजरत हाजरा ने देखा कि बेटे को शिद्दत की प्यास लगी है। अल्लाहु अकबर। मक्का की जमीन तो आप जानते ही हैं, मक्का की जमीन पत्थर की जमीन है। अल्लाहु अकबर। और वहाँ के लोग भी पत्थर दिल हुआ करते थे, लेकिन उस वक्त वहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता था, कोई किसी का मकान नजर नहीं आता था। पूरा इलाका जंगल का इलाका था, पूरा इलाका सहरा का इलाका था, पूरा इलाका पथरीला इलाका था। वहाँ किसी का कोई मस्कन नहीं था, वहाँ किसी के कोई रहने का इंतजाम नहीं था। देखा कि हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को प्यास लगी है, शिद्दत की प्यास लगी है, लबों पे पपड़ी जम गई। याद रखना कौम के जवानों, बेटा अगर परेशानी में मुब्तला होता है तो माँ का कलेजा मुँह को आ जाता है, बेटा अगर मुसीबतों में मुब्तला होता है तो माँ का कलेजा मुँह को आ जाता है। अल्लाह अकबर। ये तो हजरत हाजरा हैं। हजरत हाजरा ने देखा कि बेटे को प्यास लगी है, इधर देखा, उधर देखा, यहाँ देखा, वहाँ देखा, कहीं से कहीं तक पानी का कोई पता नहीं चलता था। पहले के दौर में दो तरीके से पानी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। एक ये कि अगर कहीं हरी घास नज़र आती थी, लोग तसव्वुर किया करते थे कि पानी होगा। अगर कहीं परिंदे उड़ा करते थे, लोग तसव्वुर किया करते थे कि यहाँ पानी होगा। हजरत हाजरा से जब रहा ना गया, शिद्दत की प्यास बढ़ती गई। अल्लाह अकबर। होठों पर पपड़ी जम गई हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के। माँ से रहा ना गया, ये माँ का कलेजा है। और खुदा की कसम याद रखना, आज भी माएँ अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। बेटा अगर जवानी में बीमार हो जाता है, बेटा अगर जवानी में बीमार हो गया, अल्लाहु अकबर, माँ अगर घुटने पकड़ के चलने पे कादिर है तो माँ अगर बराबर में लेटी है या बैठी है, बेटे की जबान से अगर लफ्ज़े पानी निकल गया, माँ जिस अंदाज में चाहेगी उठ करके जाएगी, घुटने पकड़ के जाएगी, कभी ज़मीन पर पड़ के जाएगी, मगर नल तक पहुँचेगी, पानी लेकर के गिलास में अपने बेटे के पास आएगी, कहेगी ले मेरे लगते जिगर पानी पी ले। ये माँ की मोहब्बत है जनाब, ये माँ की ममता है जनाब, ये माँ का प्यार है जनाब। लेकिन दौरे हाजिर की अगर मैं बात करूँ, हमारा माशरा इतना बदल गया, आज अगर माँ की तबीयत खराब हो जाए, बूढ़ी माँ अगर बीमार हो जाए और जवान बेटा अगर बराबर में बैठा हुआ है, माँ की जबान से निकलेगा पानी तो ये कौम का जवान अपने मोबाइल में लगा हुआ है। माँ ने बार बार कहा पानी, ये मोबाइल में लगा हुआ है। माँ कहती रही पानी पानी, ये मोबाइल में लगा हुआ है, बार बार यही जवाब देता है। माँ थोड़ी देर रुको ना, अभी लेकर के आता हूँ। लानत ऐसे जवानों की जवानी पे जो अपने माँ बाप के हुक्म की तकमील ना कर सके, जो अपने माँ बाप के हुक्म की तकमील की सूरत में सीधा खड़े होकर के लबैक ना कह सके। अल्लाहु अकबर। ये माँ है जो परेशानियों में भी बेटे के काम आती है, लेकिन बेटा माँ की मुसीबतों में कहाँ काम आता है। और जो बच्चे काम आते हैं ना, वो अपने नसीबे पे नाज करें। इसलिए कि याद रखना, अय्यामे कुर्बानी करीब है। लोग अल्लाह को राजी करने के लिए जानवरों को कुर्बान करेंगे, लोग अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह की बारगाह में कुर्बानियाँ पेश करेंगे, लेकिन याद रखना, अल्लाह को राजी करने से पहले, अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करने से पहले, वो जो माँ रूठी बैठी है उसको पहले राजी करना होगा, वो जो बाप रूठा बैठा है उसको पहले राजी करना होगा। माँ अगर राजी नहीं तो तू हज़ार कुर्बानियाँ कर ले, एक कुर्बानी नहीं, अल्लाह फिर भी तुझसे राजी नहीं होगा। बाप अगर नाराज है, तू हज़ार कुर्बानियाँ कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह तुझसे राजी नहीं होगा। अगर अल्लाह की रजा चाहते हो कुर्बानी करने के बाद, कुर्बानी को बारगाह खुदा में मकबूलियत का दर्जा दिलाना चाहते हो, तो तुम्हें पहले बाप को राजी करना पड़ेगा, पहले तुम्हें माँ को राजी करना पड़ेगा। इधर माँ बाप राजी हो जाएंगे, उधर रब की बारगाह में कुर्बानियाँ करोगे। याद रखना, इधर तुम माँ बाप को राजी करोगे, फिर उसके बाद रब की बारगाह में कुर्बानी पेश करोगे। तुम्हारी कुर्बानी का पहला कतरा खून का जमीन पे बाद में गिरेगा, अल्लाह की बारगाह में मकबूल पहले हो जाएगा। हाँ,
पहले माँ बाप को राजी किया जाए, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश की जाए। इसलिए कि कुर्बानी उसी की कबूल होती है जिसके माँ बाप उससे राजी हुआ करते हैं। कुर्बानी बारगाह खुदा में मकबूलियत का दर्जा वही पाती है जिसके माँ बाप उससे राजी हुआ करते हैं। माँ बाप अगर नाराज हैं तो फिर आपकी कुर्बानी का कोई फायदा नहीं। माँ बाप अगर नाराज हैं तो फिर आपकी हजारों कुर्बानियां भी मैदान महशर में आपके मुंह पे मार दी जाएंगी, सिवाय गोश्त के आपको कुछ नहीं मिल सकता। सवाब अगर चाहते हो, नेमुल बदल अगर चाहते हो, तो कौम के जवानों पहले अपने माँ बाप को राजी करो और उसके बाद रब की बारगाह में कुर्बानियां पेश करो। हाँ, हमने तो ऐसे ऐसे टेंट लगे हुए देखे हैं कुर्बानी के अय्याम में कि सारे लोग वहां मिलते हैं, अपना दोस्त भी मिलेगा, अपने रिश्तेदार भी मिलेंगे, ऐसो अकराबा भी मिलेंगे, लेकिन अगर कोई नजर नहीं आता तो बाप नजर नहीं आता, अगर कोई नजर नहीं आता तो माँ नजर नहीं आती। ये बेटा सेठ है, सेठ अपने आप को सेठ कहलवाता है, इसके माँ बाप इससे राजी नहीं है। ये क्या खाक का सेठ है? याद रखना, इसकी सेठागिरी दुनिया में तो चल सकती है लेकिन मैदान महशर में ये जो तमाम ताम झाम बना के गया है, लोग मेरा नाम लेंगे, लोग मेरी तारीफ करेंगे, उसने फुला बकरे कुर्बान किए थे, फुला जानवर कुर्बान किए थे। माँ बाप अगर तुझसे राजी नहीं थे, तेरी सारी कुर्बानियां तेरे मुंह पे मार दी जाएंगी, तुझे एक कुर्बानी का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक कुर्बानी का भी तुझे फायदा नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। ये माँ बाप बड़ी अनमोल नेमत है, यही तो अंबिया इकराम की जिंदगी बताती है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, अपने बच्चे को छोड़कर के बयाबान जंगल में आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इम्तिहान लिया अपने खलील का, इधर छोड़ करके आए, उधर बेटे को प्यास की शिद्दत लगी, माँ परेशान हो गई, माँ की ममता मचल गई, माँ ने इधर देखा उधर देखा, कहीं कुछ पानी का इंतजाम नजर नहीं आया, जिसको आज सफा और मरवा कहा जाता है वो पहाड़ियां निगाहों के सामने हैं। हजरत हाजरा ने देखा, हजरत हाजरा अपने बच्चे के करीब से उठ करके गई और दौड़ करके गई, कभी इस पहाड़ी पे जाती, कभी उस पहाड़ी पे जाती, फिर बच्चे का ख्याल आता दिल में, कहीं ऐसा ना हो कि दरिंदों ने मेरे बच्चे को शिकार बना लिया हो। दौड़ करके अपने बच्चे के पास आती और आने के बाद अपने बच्चे की पेशानी को चूमती और चूमने के बाद फिर दिल सुकून से हो जाता, फिर से पानी की तलाश में निकलती, कभी सफा पे जाती हैं, कभी मरवा पे जाती हैं, फिर दौड़ करके हजरत इस्माइल के पास आती हैं, फिर सफा की तरफ जाती हैं, फिर मरवा की तरफ जाती हैं, फिर दौड़ करके हजरत इस्माइल के पास आती हैं। अल्लाह अकबर। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा चलता रहा। जब सातवीं मरतबा हजरत हाजरा दौड़ करके अपने बच्चे के पास आ रही थी, क्या देखा निगाहों ने? हजरत हाजरा कहती है, मेरी निगाहों ने देखा मेरे बेटे के करीब पानी का चश्मा जारी था, हजरत इस्माइल की एड़ियां हिल रही थी, यानी हजरत इस्माइल एड़ियों को रगड़ रहे थे, पानी का चश्मा जारी था। मेरा ईमान कहता है हजरत इस्माइल ने एड़ियों को रगड़ा, अल्लाह ने पानी के चश्मे को जारी फरमा दिया, लेकिन अगर वो हजरत इस्माइल सबीउल्लाह रब की बारगाह में गिला और शिकवा करते, रब की बारगाह में इल्तिजा करते, रब की बारगाह में दुआ करते, तो सिर्फ पानी का चश्मा नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उस जमीन पे कौसर के चश्मे जारी फरमा देता।